मोदी को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। तब बिल्कुल जब टक्कर दे देंगे। हाँ, नीतीश कुमार में वो है काबिलियत। योगी जी को देखेंगे 24 के बाद। अस्पताल में गरीब मर रहा है, ठीक है, उस पर कोई नहीं ध्यान देता। हर घर मोदी है, हर घर, अरे लोगों का नारा ही सुन लिया। गुस्सा सिर्फ हमें नहीं है, बड़े क्यों में आपको ये गुस्सा दे? क्या बोलते हैं ऐसा योगी जो एकदम दिल को भाग जाता है। योगी रग रग में बसा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त नौबतपुर में है और बाबा के भक्तों का हाल तो हम आपको दिखा चुके हैं। अब थोड़ी सी बात राजनीति की कर लेते हैं। आपको मालूम है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है अब बेहद करीब है, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब एक साल से कम का समय बाकी रह गया है। तो ऐसे में बाबा के भक्तों से ये जान लेना जरूरी होगा कि आखिर 2024 में होगा क्या, क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पीएम बन सकते हैं या फिर उनकी नजर में कोई और चेहरा है। तो आइए फिर बाबा के भक्तों से ये जान लेते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। अच्छा। गुड्डू यादव कहिए मन की। अच्छा, तो तेजस्वी यादव। हाँ, अहिरान। अच्छा, 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 तो तेजस्वी के फैन है क्या? अरे फैन हम तेजस्वी के नहीं, हम योगी के फैन। क्या बात कर रहे हैं, योगी के फैन है? हाँ, क्या हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाते हैं। हिंदू राष्ट्र। अच्छा, ये बताइए कि योगी के फैन क्यों हैं? जबरा फैन नजर आ रहे हैं। उनका वीडियो देख देख के, वहाँ का जो बुलडोजर बाबा और बहुत सारा कार्यक्रम है ना, बहुत सारा उनका काम ऐसा चीज है ना कि तुरंत के तुरंत इंसाफ मिलता है। ये बताइए क्या क्या बोलते हैं ऐसा योगी जो एकदम दिल को भाग जाता है? अरे दिल, योगी रग रग में बसा। अगर इतना बड़ा फैन है, अगर इतना बड़ा फैन है तो कुछ एक डायलॉग बोल के दिखा। अरे डायलॉग क्या बोलना है, डायलॉग हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है हमको, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। एक तो सबसे ज्यादा ही पॉपुलर है, जिसको हिंदुस्तान प्यारा है वो हिंदुस्तान में रहे, और जिनको प्यारा नहीं है हम टिकट भी कटवा देंगे और किराया भी मुहैया करवा देंगे, वो अपनी जगह जा सकते हैं। ये बताइए कि 2024 में कौन पीएम बनेगा? योगी, मोदी जी। एक सेकंड भैया, एक बार तो और मोदी जी आएंगे। 100% ये कैसे बोल सकते हैं? एक बार और योगी जी को अपने केंद्र में थोड़ा सा और काम करना है, उनको करने दें। अच्छा। अगले बार योगी जी को देख, योगी जी को देखेंगे 24 के बाद। पहले पहले ये आप क्या कह रहे हैं? हम मोदी को तो नहीं जानते हैं, कौन है मोदी? मोदी को नहीं जानते हैं लेकिन योगी को जानते हैं, और ये सिर्फ मोदी को जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या किसको देखना चाहते हैं 2024 में? प्रधानमंत्री देश का कौन बनेगा? मोदी। मोदी। अरे मोदी बहुत डेवलप किया, जहाँ घर घर मोदी है, हर घर, अरे लोगों का नारा ही सुन लिया। घर घर मोदी, घर घर में मोदी है, घर घर में सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ही। एक बात बताइए, बोले थे कि बैंक में पैसा आ जाएगा, अरे नहीं आया, लेकिन विकास तो हुआ है मैडम, विकास तो हुआ है। हम कह रहे हैं सब साथ सब विकास, मैडम जी खत्म नहीं हुआ, लेकिन बात यह है, देखिए सबका साथ सबका विकास बोले हैं, किसने साथ दे रहा है? कोई नहीं साथ दे रहा। अगर हम कह रहे हैं हम ठाकुर हैं, हम राजपूत हैं, सब जनता चिल्लाता है, वैसे सब साथ दे। गरीब गरीब मर रहा है अस्पताल में, 1 मिनट मैडम, अस्पताल में गरीब मर रहा है, ठीक है, उस पर कोई नहीं ध्यान देता। और दूसरी बात, इधर ध्यान दीजिए मैडम, दूसरी बात, गरीब मर रहा है नहीं, बिटिया की शादी गरीब का हो रहा है नहीं हो रहा है? मोदी को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, इसलिए कि मोदी जैसा कोई आज तक नेता नहीं है जो हम लोग जी नहीं। राहुल गांधी, अगर मेरे बात पर सहमत है, ऐसे तो बीजेपी केंद्र में रहेगी सरकार, लेकिन इनका सीट इस बार रेशियो कम कर देंगे नीतीश कुमार, ये दावा के साथ मैं कह रहा हूँ। हाँ, नवदपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, इसलिए हम कर रहा हूँ। विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, लगता है कि नीतीश कुमार पीएम पद के नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं, आप लोग बार बार क्यों नहीं स्टेटमेंट उनको देखते हैं? नहीं, वो गुप्त रखे हुए हैं, उनकी मीटिंग में क्या निर्णय निकल के आता है वो लोग अपने हेड कमान अपने करते हैं। सपा बोलते हैं कि हम नहीं है प्रधानमंत्री का चेहरा, आप कहे नहीं बात मानते हैं? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। हाँ तब बिल्कुल जब टक्कर दे देंगे। अच्छा, हाँ, नीतीश कुमार में वो है काबिलियत, दिखा देंगे। हाँ,
नीतीश कुमार में है। कह क्या रहे हैं, बोल यही रहे हैं कि नीतीश कुमार साल में 5 बार पार्टी ही बदलता है, कभी इस पार्टी में जाता है कभी उस पार्टी में जाता है, और पढ़ाई लिखाई का क्या हो रहा है, 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल में हो रहा है। तो ठंडा में क्या है दीदी, गुस्सा पूरा बिहार में है, ये तो गुस्सा पूरा बिहार का है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हो, मतलब दीदी देख सकती है गुस्सा सिर्फ हम में नहीं है, बड़े युवा में आपको ये गुस्सा दे, अभी 12th करके बैठे हुए हैं, ग्रेजुएशन के लिए इंतजार करें कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं निकला। मतलब क्या लगता है 2024 में क्या युवा की पसंद क्या है? पसंद क्या है, सीधे पसंद है योगी, योगी, योगी। अच्छा, आज खत्म। क्या चाहते हो कि 2024 में कौन पीएम बने? पीएम कौन पसंद है? नहीं, सीधे योगी, पहला पसंद योगी। जैसे जैसे यूपी से, जैसे यूपी से, सुनिए मेरी बात सुनिए, बिहार यही कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ाई नहीं। मोदी भी, मोदी जी भी मैम दीदी अपने जगह ठीक है, बट ये जो योगी जी हैं पढ़ाई के साथ साथ गुंडा राज भी खत्म करेंगे। जैसे अभी तो देखा कि लोगों की राय क्या है, लोग क्या चाह रहे, यहाँ पर लोगों ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, साफ कह दिया है कि 2024 में क्या कुछ होगा। तो अब देखना होगा कि आगे सच में क्या कुछ होता है। तो उस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।